आज के सेशन में हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वाले पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाएंगे। पुराने सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 स्पेशली हमने देखा था, राइट टू इक्वलिटी का ये पार्ट है। टोटल 14 से लेकर 18 तक सेक्शन आर्टिकल्स हैं इसमें। इन आर्टिकल्स में आज हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। देखो आर्टिकल 15 और 16 दोनों बहुत हद तक लगभग कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो सेम होगा, बस थोड़ा एक मेजर डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 15 बहुत अर्थ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश से संबंधित है, जबकि जो 16 है वो बहुत अर्थ में गवर्नमेंट नौकरी से संबंधित है। इन दोनों जगहों पे फंडामेंटल राइट्स कितना होना चाहिए, क्या फंडामेंटल राइट्स को असाइड किया जा सकता है किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ, वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव अफर्मेशन हो सकते हैं, पॉजिटिवली साइड किया जा सकता है या नेगेटिवली फंडामेंटल राइट्स को साइड किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में यहां पढ़ेंगे। तो मूलतः मुख्य मुद्दा सेम ही होगा, हाँ कुछ प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग भी हैं, तो आर्टिकल 15 और 16 को अलग अलग अर्थों में देख लेते हैं। जो आर्टिकल 15 है मूलतः किससे संबंधित है, तो मूलतः एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। और जब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो जो आर्टिकल 15 है इसमें कई सारे सबसेक्शनल पार्ट्स बनाए गए हैं। तो इसमें बनाए गए हैं लगभग 6 पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसमें जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट है ये ऑलरेडी हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत था। मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें ये तीनों ही पार्ट थे। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को बाद में ऐड किया गया, जैसे जैसे देश की दशा और दिशा बदलती गई, पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल कंसर्न्स बदलते चले गए, लोगों के अवेयरनेस बदलते चले गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली, वैसे वैसे इन 4, 5 और 6 अर्थात इन 3 सेक्शंस को बाद में इसके अंतर्गत सब सेक्शन सब आर्टिकल्स फॉर्मेट में इसे ऐड कर दिया गया। अब यहां जो कंसर्न्स है तो हम समझते हैं कि पहला क्या है। जो पहला रूल ये कहता है कि राज्य केवल 5 आधार पे अर्थात 5 बेसिस बनाए गए हैं कि इन 5 आधार पे किसी भी व्यक्ति के पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, अर्थात किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब बेसिक्स है, यहां 5 पॉइंट्स की चर्चा की गई है, उन 5 आधारों को हम लोग देखेंगे। जैसे कौन कौन, तो सबसे पहले रेस, रिलीजन। रेस का मतलब हुआ कि वो किस नस्ल का है, उसके खानदान क्या है। रिलीजन अर्थात धार्मिक उसकी स्वतंत्रता क्या है। रीजन अर्थात वो किस क्षेत्र का है, एंड सो ऑन। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे जो आर्टिकल 15 का पार्ट फर्स्ट है इसमें से बात करें तो कहा कि 5 आधार पे अर्थात इन 5 बेस पे राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और ये कौन करेगा, तो यहां ध्यान रखिए बार बार हम कहते हैं ये प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति में कुछ हद तक अलाउ है, फंडामेंटल राइट मूलतया कुछ एक पार्ट छोड़कर, उसके आगे हम लोग डिस्कशन करवाएंगे, मूलतया जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के खिलाफ हमारे पक्ष में मुद्दा है, अर्थात पीपल को राज्य के खिलाफ मिला है, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं मिला है। हाँ एक्सेप्शनल कुछ पार्ट्स हैं, यहां ध्यान रखो ये कुछ क्लेम्स में भी आ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो किसके खिलाफ है, वो स्टेट के खिलाफ है, अर्थात स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 आधार पे। तो ये 5 आधार क्या है, तो सबसे पहले है रिलीजन अर्थात धर्म, फिर क्या है दूसरा आर अर्थात रेस, रेस का मतलब उसका नस्ल क्या है, तीसरा है कास्ट मतलब उसकी जाति क्या है, इस आधार पर भी अंतर नहीं किया जा सकता, इसके बाद सेक्स अर्थात वो पुरुष है महिला है इनके आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता, और दूसरा है नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ अर्थात जन्म स्थान, वो कहां उसका जन्म हुआ है, इन आधार पे भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये बेसिक सा 5 पॉइंट्स कहा गया। अब हम लोग आएंगे जो पार्ट 2 है इसका सेकंड में। सेकंड में ये कहा गया कि जो सेकंड है यहां, ये सेकंड को स्पेशली ध्यान रखो, यहां थोड़ी सी अनटचेबिलिटीज या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट्स बनाया गया, और इन्हीं आधारों पे इसको कहा जाता है कि फाउंडेशनल पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 का भी जन्म यहीं से होता है, आगे चल के 17 भी आएगा। अर्थात इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जाति आधार पे आप पब्लिक पैलेसेस पे या जो स्कूल इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसे जगहों पे है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, या ऐसा जगह जो पब्लिक फंड के द्वारा अर्थात सरकार के पैसे से मैनेज्ड हो रहा है, उन जगहों पे आप कास्ट के आधार पे किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। यही बात है आर्टिकल 17 में जब चलता है तो अपने कंसर्न्स में पूरा फ्लरिश्ड होता है, और वहां वो अपने फुलफिलमेंट में आके कंप्लीट अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो ये भी हो सकता है क्लेम्स को क्वेश्चन आ जाए कि जो आर्टिकल 17 है उसका फाउंडेशन 15 के 2 में ही दिखा गया है। तो 15 के 2 में क्या कह रहा है कि ड्यू टू कास्ट, मतलब जो किसी के कास्ट इंपैक्ट है, किसी के जातीय जो आधार है, उस आधार के आधार पे व्यक्ति को 2 जगह जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। यहां 2 फॉर्मेट बनाए गए, पहला
तो किसी जगह पे प्रवेश से, प्रवेश का मतलब कौन, जैसे दुकान है, शॉप एक्सेट्रा, या फिर जो पब्लिक कोई भी पैलेसेस है। और इसके अलावा जो प्रयोग करने से भी नहीं रोका जा सकता, मतलब इसमें दो अर्थ दिए गए कि कास्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को दो चीजों से नहीं रोका जा सकता है, एक तो प्रवेश से अर्थात एंट्री से नहीं रोक सकते, और दूसरा यूटिलाइजेशन से अर्थात प्रयोग से, आप नहीं यूज से या यूटिलाइजेशन से नहीं रोक सकता, अर्थात उसके प्रयोग से भी आप नहीं रोक सकते। तो जाने से एंट्री कहां आप नहीं कर, एंट्री से कहां आप रोक नहीं सकते, तो शॉप मान लो कोई दुकान है, वो दुकान चूंकि उसका नेचर पब्लिक है, भले ही कोई व्यक्ति कहे कि दुकान हमारी प्राइवेट है, हम प्राइवेट दुकान चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, दुकान चला रहे हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में चला रहे हैं, इस टेरिटरीज में चला रहे हैं, इस अधिकारिक ज्यूरिस्डिक्शन में चला रहे हैं, अर्थात ये होगा कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हम कास्ट के आधार पर आपको सामान नहीं बेचेंगे या आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, भले ही शॉप आपके प्राइवेट हो। तो जो शॉप है, दुकान एक्सेट्राज है, या फिर जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे भी एंट्री से आप नहीं रोक सकते। और दूसरा, यूज करने से किसको नहीं रोक सकते, इसमें भी वही चीजें हो जाएंगी, इसमें जो भी सरकारी धन से मैनेज्ड चीजें हैं, जैसे कोई मान लो सरकारी तालाब है, कुआं है एटसेट्रा, यहां ये ध्यान रखो तालाब और कुआं यदि आपका व्यक्तिगत है, प्राइवेट है, तो किसी को आप रोक सकते हो, वहां ये कंसर्न्स नहीं होंगे, वो किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति हो, यदि पर्सनल कुआं है किसी का तो वो रोक सकता है। यहां ध्यान रखो ये दो चीजें, प्रवेश से शॉप या पब्लिक पैलेस पे आप किसी को प्रवेश से कास्ट के आधार पर रोक नहीं सकते, लेकिन ये जो कंसर्न्स है जैसे कुआं एक्सेट्रा जो प्रयोग वाली चीजें होंगी, वो यदि आपका पर्सनल है, प्राइवेट है, तो वहां आप रोक सकते हैं। मान लो पर्सनल कुआं है हमारा, हम किसी की एंट्री नहीं देंगे, ये अलाउ हो सकता है, वहां कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं उठा सकता कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट, हाँ लेकिन यदि वो कुआं सरकारी जमीन पे है, यदि उसमें सरकारी मैनेज्ड है, सरकारी फंड है, तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए इन दो चीजों को स्पेशली आप ध्यान रखोगे कि जो दो वाला पार्ट है 15 के जो सेकंड पार्ट है, इसमें पहला पार्ट प्रवेश वाला, तो इसमें, और जो यूजेज वाला पार्ट है इसमें क्या क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि आप नहीं रोक सकते जो तालाब कुआं एक्सेट्राज है, तालाब कुआं, यहां स्पेशली ध्यान रखना प्राइवेट नहीं, प्राइवेट वाला इससे बाहर है। इसके बाद सार्वजनिक जो जगह है, समागम का प्लेस है, ऐसे कंसर्न्स भी, तो सार्वजनिक समागम का प्लेस मतलब पब्लिक, ऐसी जो मीटिंग हॉल एक्सेट्रा होते हैं वहां भी, ये सार्वजनिक वाला जहां भी होगा, ऐसा आप बेसिक से लिख सकते हो कि जो पब्लिक हो, पब्लिक फंड से मैनेज्ड हो, या इसका नेचर पब्लिक हो, नेचर पब्लिक का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से ये लॉ है जहां सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लियर 15(2). इसके बाद आते हैं 15(3) में, जो 15(3) है ये कहता है कि एस्टेट बच्चों से संबंध में या महिलाओं के संबंध में, क्योंकि सामान्य अर्थों में हमारे यहां बच्चों को भी निरीह समझा जाता है और महिलाओं को भी निरीह समझा जाता है। ज्योतिबा फूले ने कहा था कि महिलाएं जितनी भी हैं वो दलित ही हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी कहीं कंसर्न्स में है, क्योंकि महिलाओं को हमने उतना राइट्स नहीं दिया है पुरुषों की तुलना की बात करें। आज तो जो कंसर्न्स है वो ठीक है, महिलाओं को राइट्स मिले हैं बहुत सारे, लेकिन प्रैक्टिकलिटीज देखोगे तो जो महिला है और बच्चा है ये ऑलरेडी निरीह है, तो इसीलिए इनके संबंध में कहा गया कि महिला और बच्चा के संबंध में यदि राज्य कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाता है और उन प्रोविजंस के चलते यदि किसी अन्य पर्सन के जो राइट्स हैं उसका हनन भी होता है, तो इससे राज्य को रोका नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? मतलब महिला और बच्चों के संबंध में यदि कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं और इससे अन्य व्यक्ति का राइट्स हनन हो रहा है, तो वो बात अलाउ होगी, इससे प्रिवेंटेशन नहीं है। तो अर्थात जो थर्ड पार्ट है, फिफ्टीन का थर्ड, इसमें कहा गया कि चाइल्ड एंड वुमेन्स से संबंधित, से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, और ये कौन बनाएगा, स्पेशली ध्यान रखो, ये गवर्नमेंट या स्टेट इसको हम कह सकते हैं, जो राज्य है, और राज्य का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो सरकार या स्टेट। यहां ध्यान रखो स्टेट का मतलब जो हमारा राज्य वाला स्टेट है वो नहीं है, स्टेट का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जो प्रशासन चलाता है, जिसके नियंत्रणाधीन पूरी की पूरी सिस्टम्स हैं, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो या जो भी व्यवस्थाएं हो, तो स्टेट का मतलब वहां उस एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थों में हम लोग लेते हैं, तो स्टेट को ये रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन स्पेशली ध्यान रखो, फिर भी यहां कहा होगा राज्य किस पे, किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता है, राज्य उसी कंसर्न्स में रोक सकता है जो या तो पूर्णता या अंशतः, अर्थात या तो फुल्ली या पार्शली, जो स्टेट फंड से मैनेज्ड हो, केवल उसी कंसर्न्स में ऐसा नियम बना सकता है। तो किसमें बना सकता है, ये भी आइदर पार्शियली और फुल्ली
managed by government fund या public fund. यदि public fund या government fund से managed है तभी ऐसा बनाया जा सकता है. हाँ, गवर्नमेंट की थोड़ी सी भी हिस्सेदारी है तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. ये जो तीन थे, ये तीन रूल ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था. इसके बाद कई बार कंसर्न्स ये बने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अब दो धारा दो फॉर्मेट्स आए. दो फॉर्मेट्स का ये मुद्दा आया कि एक तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, हर व्यक्ति का राइट्स हुआ, इसमें महिला और बच्चों के संबंध में तो हमने प्रोविजंस बना दिया. लेकिन दूसरा ये भी कहता है कि स्टेट को ये भी राइट्स दिया गया कि वेलफेयर, हमारे जो इंडिया की कॉन्सेप्ट है वो खासकर गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट है. अर्थात हम हर आदमी की जो जीवन की उत्तमता है उसको बढ़ाएं. तो जीवन की उत्तमता को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट से होता है. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो सत्ता से या सभ्यता से या कल्चर या जो कुछ भी कहें विकास की धारा से पीछे छूट गया है, उस छूटे हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं. और याद करिए आर्टिकल 14 में हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है और ये जो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है ये रीजनेबल होना चाहिए. उसमें एक बात और भी था कि 100% रीजनेबल तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें हम स्टेट को प्रेफर करेंगे कि स्टेट ने जो कंसर्न्स माना है वो एक डोमिनेंट होगा और उसके स्टेट की इच्छाएं चूंकि सर्वोच्च होती है, स्टेट की इच्छाएं लोगों के वेलफेयर की हैं, तो इस अर्थ में यदि किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन किया भी जाए तो किसी व्यक्ति को यदि इससे घाटा है तो वो चल सकता है. जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देना है, तो आरक्षण का मतलब एक दबे कुचले या पिछले व्यक्ति को हमें ऊपर लाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेडिकल कॉलेज में जब सीट लिमिटेड है तो एक बच्चा को बाहर करना पड़ेगा. लेकिन ये ऐसा है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इस बात को अलाउ किया गया. तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था नहीं. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने केवल इतनी ही बातें थी. फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट्स की बात करेंगे उसमें डीपीएसपीज है, यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट को क्या करना चाहिए, तो वहां वेलफेयर गवर्नमेंट की बात की गई. तो अब राज्य सरकार के मन में आया कि वेलफेयर कैसे किया जाए. तो वेलफेयर के लिए तमिलनाडु में एक कंसल्ट कर रहा चंपकम दोरैराजन का केस पढ़ते हैं हम लोग. वहां चंपकम दोरैराजन के केसेस में ये भी होता है कि मेडिकल कॉलेज में या किसी कॉलेज जो संस्थान है उस संस्थान में एडमिशन से संबंधित बातें होती है. राज्य ने प्रावधानित किया कि बच्चों को कुछ जो पिछड़े दलित तबके के बच्चे हैं उनको हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देंगे. वहां जो जनरल क्लास के लोग थे उन्होंने विरोध किया कि फंडामेंटल राइट हमारा ये कहता है कि आप हमें इसके नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को आगे लाने पे. फाइनली कोर्ट में गया मुद्दा और कोर्ट में चंपकम दोरैराजन के केस में स्पेशली इस बात को मना कर दिया गया, कहा कि नहीं फंडामेंटल राइट सुप्रीम होंगे. चूंकि आर्टिकल 13 में हमने क्या कहा था, जो भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगे वो सारा का सारा पार्ट अप टू दैट कॉन्फ्लिक्शन क्या होगा, वॉइड होगा. तो ये जो अप टू दैट कॉन्फ्लिक्शन वो वॉइड होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिजर्वेशन की वहां कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त कर दिया गया. जैसे ही ये बातें कही गई उसके बाद गवर्नमेंट ने इसी मुद्दे को कर्टेल करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया. और पहला संविधान संशोधन करने के बाद जो 15 के पार्ट 4 ऐड किया गया, याद ध्यान रखो 15 का 4, ये कब ऐड किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया गया, ताकि पिछड़े वर्गों के लिए, खासतौर पे पिछड़े सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए, और जो हमारे समाज में एससी एसटी एक्सेप्टाज है उनके लिए. स्पेशल प्रोविजन यहां किसके लिए बनाया गया, जो सामाजिक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोग हैं, प्लस क्योंकि ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो बाद में आया है, ओबीसी का कॉन्सेप्ट मंडल आयोग के बाद के कंसर्न्स में आया है. इससे पहले हम लोग केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूलतया जो मेंशन्स है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इसके साथ एससी और एसटी का जो कैटेगराइजेशन है वो हमेशा से रहा है, इसलिए वो एससी एंड एसटी. तो इन लोगों के वेलफेयर के लिए 15(4) लाया गया. कब लाया गया, तो इस कंसर्न्स में जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और याद रखो ये कब, संविधान के जस्ट लागू होने के बाद ही शुरू हो गया था ये, तो 1951 की ही कंसर्न्स है, तो 1951 में ही इसे ऐड कर दिया गया. याद होगा इसी टाइम में हमें शेड्यूल, जो हमारे शेड्यूल्स हैं उसमें शेड्यूल 9 भी हमने ऐड किया था. शेड्यूल 9 में भी क्या था कि वो हर मुद्दा जो मुद्दा को इसमें डाल दिया जाएगा 9वीं अनुसूची में, उन सारे मुद्दे पे कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का राइट्स नहीं होगा. बहुत दिन तक ये मुद्दा चलता रहा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉर्मली हमारे यहाँ जुडिशियरी और विधायिका के बीच का जो आज भी टसल है वो यही टसल बन रहा है. तो ये कंसर्न्स है, तो 1951 में 15(4) ऐड किया गया. इस 15(4) की यदि बात करें तो स्पेशली केस भी चाहो तो आप याद कर सकते हो, चंपकम दोरैराजन का केस था, सी डी दोरैराजन. चंपकम दोरैराजन का केस था,
कॉलेज में प्रवेश से संबंधित मुद्दा था और इसमें किसके लिए प्रावधान किया गया, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड और एससी एसटी। बाद में ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसी को बाद में इसका नाम हो गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और ये ध्यान रखो, यहां ये कहा गया कि इसके तहत यदि हम प्रोविजंस करते हैं तो आर्टिकल 29 के 2 में जो कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं वो आर्टिकल 29 का 2 यदि खारिज होता भी है, यदि उस राइट्स का हनन होता भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात इसमें स्पेशली मेंशंस कर दिया गया 15(4) में कि यदि इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन करते हुए आर्टिकल 29(2) इसका उल्लंघन भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात आर्टिकल 29(2) की बारिंग डिबार्डिंग इस पे नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि 29(2) में क्या है, तो 29(2) में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म आदि के आधार पर कहीं प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। तो किसी भी धर्म या जाति के आधार पर कहीं प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता, ये 29(2) में कहा गया है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वहां। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और यहां हमने क्या किया, यहां जाति ही आ गया, सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड ने कैसे, बैकवर्ड हमने कैसे सेट किया, यहां तो जाति एक मेजर कैरेक्टर हो गया, एससी एसटी में जाति एक मेजर कैरेक्टर हो गया। तो फिर यदि 15(4) हमने ऐड किया इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया 29(2) में, तो इसलिए यहां स्पेशली मेंशंस कर दिया गया यही कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कि यदि 29(2) में जो मुद्दा है वो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तब भी 15(4) में स्टेट इसके लिए प्रोविजन कर सकती है, अर्थात 29(2) अप टू दिस लेवल, जो लेवल 15(4) में मेंशंस किया गया है वहां तक वॉइड होगा, अर्थात उस पे लागू नहीं होगा। क्लियर हुआ ये मुद्दा? अब हम लोग इसी के कंसर्न्स पे आगे आएंगे, अर्थात 29(2) चाहे तो आप लिख सकते हो, इसमें यह है कि स्टेट किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। और इसके लागू होने से क्या हो गया कि जनरल क्लास का कोई बच्चा है तो उसके जाति के आधार पर उसे वंचित कर दिया जाएगा। तो बाद में इसे कहा गया कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक विभेदीकरण है, अर्थात सकारात्मक भेदभाव है। इसलिए आप ध्यान रखो, हमारे इंडिया में बार बार कहा जाता है जो भेदभाव है वो सकारात्मक होना चाहिए। और यही कंसर्न्स अभी सी और एनआरसी के केस में भी उठा, कहा गया कि आर्टिकल 14, याद करिए हमने आर्टिकल 14 में कहा था कि वहां इंडिया की चर्चा नहीं है, वहां सीधे है कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो कंसर्न्स ये उठा कि हमने मुसलमानों को क्यों नहीं एंट्री दी। एक तो दो प्रश्न उठे कि वो किसके लिए है आर्टिकल 14, इंडियन के लिए है विदेशियों के लिए, चलो इस पे डिबेट हो भी जाए। तो बाद में सरकार का पक्ष या नॉर्मल पक्ष ये था जो इसके सपोर्टर है कि वो पार्ट है भी तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे रिजर्वेशन में हमने प्रोसिक्यूटेड या वो व्यक्ति जो मार्जिनलाइज्ड है, वो व्यक्ति जो समाज में दलित है, दमित है, शोषित है, उन व्यक्ति को आगे लाने के लिए चूंकि हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को यदि साइड करना पड़े तो कर सकते हैं। और इस आधार पर भी चूंकि विदेशों में खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जहां से वो सीएनआरसी वाली कॉन्सेप्ट आई है अभी, तो वहां चूंकि जो अदर लोग हैं माइनॉरिटीज, वहां के माइनॉरिटीज उनके साथ बहुत ही ज्यादा दमन हुआ है, इसलिए उन व्यक्ति को अलाउ किया गया। तो बाद में कोर्ट में भी मुद्दा है, लेकिन दैट नॉट इश्यू, कंसर्न्स ये है कि वो लागू तो हो ही गया और वो होना ही है, क्योंकि सरकार ठान ली है। तो फिर सरकार जहां डोमिनेट करेगी वहां जुडिशियरी को नीचे आना होगा, जहां जुडिशियरी डोमिनेट करेगी वो सरकार, एक डिबेट का मुद्दा होगा, कभी इस पर भी डिस्कशन करेंगे। यहां लॉर्ड टर्म मतलब 29(2) जो है किसी जाति धर्म को बाहर नहीं कर सकते, वो यहां इस हद तक इसकी वैल्यू शून्य होगी। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं 15(5) में, जो आर्टिकल 15 का 5 है, इसमें क्या कहता है, ये डाला गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। ध्यान रखो 15(4) किसमें डाला गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये डाला गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसका ये कब, तो 2005 में इसको डाला गया, 2005 में। अब ये 2005 में क्यों डाला गया, तो इसमें ये कहा गया कि राज्य, इसमें से लिखा रखो, कहा गया कि राज्य वंचित वर्गों के लिए जो भी व्यक्ति है वही, चाहे एजुकेशनली या सोशल और एससी एसटी, जो डिप्राइव्ड क्लास है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसने कहा कि राज्य डिप्राइव्ड क्लास के लिए कहीं भी प्रवेश करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था बना सकती है। यहां दोनों में डिफरेंस समझो, वहां भी था यही बात, यहां भी यही बात है। वहां ये कंसेंस था 4 में, ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को, एक बच्चा यदि बाहर जा रहा है, मान लो ए एक जनरल क्लास का बच्चा है और बी एक रिजर्व क्लास का बच्चा है, एक बी के एडमिशन से ए यदि बाहर हो गया, वहां ये बातें कही गई। इसमें जो 15(5) है, इसमें इसका थोड़ा सा उलट पार्ट ये है, इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, उस इंस्टीट्यूशन की बात की गई जिसमें एडमिशन लेना है। अर्थात इसमें यह कहा गया
कि जैसे आर्टिकल 19 जो 19 है उसके पार्ट 1 के जो जी वाला सेक्शन है, इसमें कहा गया, आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे आर्टिकल 19 का 1 उसका जी, इसमें यह कहा गया कि हर व्यक्ति को व्यापार करने की, अपनी रुचि का व्यापार करने का राइट है। अर्थात यह है कि हमें जब अपने मर्जी का अपने हिसाब से व्यापार एक्सरसाइज करने के राइट्स हैं, तो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के भी राइट्स हैं। और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जब हम अपने तरीके से खोल सकते हैं तो उसके एडमिशन के जो क्राइटेरिया होगा वो भी हम अपने तरीके से डिसाइड करेंगे, ये कंसर्न्स होंगे। तो इसी बात को जो 15(4) में जो कहा गया था कि व्यक्ति ये बाहर जा रहा है इसके इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका एडमिशन हो जाएगा, यही बात ने 15(5) में आके कहा है कि इस बात से, अर्थात जो ओबीसी एससी एसटी के एडमिशन का प्रोविजन किया गया है उसमें आर्टिकल 19(1) का जी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कोई स्कूल चलाने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि व्यापार करने का राइट है हमें और व्यापार के तरीके भी हम डिसाइड कर सकते हैं, इस आधार पे जो क्राइटेरिया होगा एडमिशन का वो भी हम डिसाइड करेंगे, और इस आधार पे हम ओबीसी एससी एसटी को एडमिशन नहीं देंगे, ये नहीं चल सकता। अर्थात यदि सरकार ऐसा प्रोविजन बनाए तो वो जो व्यापार करने का राइट है उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाने के राइट है वो भी उस हद तक शिथिल कर दिए जाएंगे। क्लियर हुआ? दोनों में बस यही डिफरेंस है, दोनों में एडमिशन ही होना है। किसका होना चाहिए? ओबीसी एससी और एसटी का। एक में ये कह रहा है कि जनरल वाला बच्चा जो बाहर जाएगा उसका जो फंडामेंटल राइट का हनन हुआ उससे कोई मतलब नहीं होगा, दूसरा ये कह रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है उससे कुछ नहीं होगा और उसे अलाउ कर दिया जाएगा। अर्थात 15(5) में क्या कह रहा है? यही कि जो डिप्राइव्ड क्लास है ओबीसी एससी और एसटी, इनके लिए जो विशेष प्रोविजन करेगा वो आर्टिकल 19(1) के जी में जो प्रावधान है इस पे ये इसको कंट्रोल या लिमिट नहीं कर सकता, अर्थात इसके लिए 19(1) जी प्रभावी नहीं होगा। और 19(1) का जी क्या है? व्यापार करने का राइट, व्यापार आदि करने का राइट या स्वतंत्रता इसको लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये स्वतंत्रता के राइट्स नहीं है। तो ये जो व्यापार आदि करने का राइट्स है इसको भी सरकार कंट्रोल कर सकती है, किसके लिए? 15(5) के लिए, प्रोविजन करने के लिए। मुद्दा यही ठीक था। इसी के बाद एडमिशन के टाइम, उसी टाइम आपको याद होगा उस टाइम में ईडब्ल्यूएस के लिए भी कहा गया, बाद में सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 25% रिजर्वेशन हर जगह फिक्स कर दिया, हर एक कॉलेज हर एक स्कूल में कहा गया कि 25% बच्चों को ईडब्ल्यूएस वाले को एडमिशन देना होगा। बाद में विवाद लंबे समय तक चलता रहा तो उसके बाद इसमें आ गया 15(6), और जब 15(6) आ गया इसके तहत देखिए स्पेशल सा प्रोविजन बना दिया गया कि अप टू 10%। उससे पहले क्या था, स्कूल वगैरह में सरकार के फीस पे या यदि सरकारी जमीन पे है या कहीं भी है तो गरीब बच्चों को एडमिशन देना होगा 25%। बाद में जब स्पेशली ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बिल आया तो उसके बाद कह दिया गया कि अप टू 10%, अब उसको 10% तक लिमिट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स ही बना दिए गए, और 15(6) जोड़ दिया गया। और 15(6) में ये कहा, 15(6) में ये बातें कही गई कि सरकार उन लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था बना सकती है जो चाहे तो, हाँ, लेकिन उसमें एक पॉइंट स्पेशली बना दिया गया, वो जो हमने कहा इससे पहले क्या था, जो ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस जो पहले वाला था उसमें कितना था, 25% एडमिशन हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा में आपको देने होंगे गरीबों को, गरीब जो बच्चे हैं, इस गरीब में हर वो व्यक्ति शामिल था चाहे जिसको रिजर्वेशन अवेलेबल था पहले से या नहीं अवेलेबल था, इसीलिए 25% था। बाद में जब 15(6) ऐड किया गया तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि सरकार उसके लिए भी व्यवस्था कर सकती है जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा था, याद करिए 4 और 5 में हमने लिखा था सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड, इसमें यह कहा गया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब यह होगा, इसका कंसर्न यह हुआ कि 15(4) और 15(5) में जिसकी बात की गई है उसको इससे बाहर किया गया, अर्थात 15(4) और 15(5) में जिसको छोड़ दिया गया है, अर्थात ओबीसी एससी एसटी के अलावा जो कोई व्यक्ति है उनको इकोनॉमी के आधार पर सरकार राइट दे सकती है, कुछ उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, और इस आधार पे 15(6) में अप टू 10% रिजर्वेशन की बात हुई। और ये जो अप टू 10% रिजर्वेशन है ये किसके लिए है? ये अदर देन ओबीसी एससी एंड एसटी, अर्थात ये हुआ कि जिनको कहीं से भी रिजर्वेशन मिल रहा है उनके अलावा जिनको कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनकी बात करते हैं। उनमें कहा गया यदि वो गरीब है उनके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाई गई, उस अभी शायद 8 लाख के आसपास है, अभी चर्चा हो रही है 10 लाख पे बनाया जाए, और भी जमीन वगैरह एक्सेट्रा के भी कुछ क्राइटेरिया है कभी उसकी चर्चा करवाएंगे। तो मतलब ये हुआ 15(6) में जो ओबीसी एसटी एससी से अलग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अप टू 10% रिजर्वेशन की बात की गई, और ये जो अप टू 10% रिजर्वेशन है
जरिए होता है तो फिर वो सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, अर्थात जो फोर में भी हमने कहा किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी का एडमिशन नहीं होगा वो, या फिर जो 19(1)(g) अर्थात इसमें दोनों की बात किया गया 15(g) में, सॉरी 15(6) में 29 का 2 भी और 19(1) का जी भी, ये दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होंगे, अर्थात ये दोनों लिमिट नहीं कर सकता। तो ये क्लियर हो गया 15G और 15G जो 6 है वो कब जोड़ा गया, तो 15(6) को जोड़ा गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में ऐड किया गया इसको 2019 से 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में से ऐड कर दिया गया। आई होप ये चीजें आपको कवर हो गया। इसमें एक चीज स्पेशली ध्यान रखो, ये जो एडमिशन की बातें की गई हैं, ये दोनों ही बातें, इन दोनों बातों में एक स्पेशल प्रोविजन और भी है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमने कहा आर्टिकल 19G ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये माइनॉरिटी संस्थान के लिए लागू नहीं होगा। ये भी स्पेशली एक बोन ऑफ कंटेंशन है, आज लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों एक जनरल जो संस्था है उस संस्था में तो ये नियम लागू नहीं होंगे। चाहे सर पहले यह भी था कि गवर्नमेंट मैनेज्ड, बाद में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें कहा कि गवर्नमेंट मैनेज्ड और नॉन मैनेज्ड कोई मतलब नहीं है, चाहे प्राइवेट संस्था है या सरकारी संस्था है, हर में ये रूल लागू करने होंगे। तो फिर माइनॉरिटीज वाले संस्था को क्यों अलग कर दिया गया, ये बात आप स्पेशली ध्यान रखो। ये जो 15(4), (5) और (6) ये तीनों जो प्रोविजन था एडमिशन का, वो आर्टिकल 31 के तहत जो माइनॉरिटीज संस्था है, स्पेशली ध्यान रखो, इतने आर्टिकल नहीं भी आते हो तो कोई समस्या नहीं होगी, जो माइनॉरिटीज संस्था है अर्थात अल्पसंख्यक के जो संस्था है, उन संस्था में ये रूल लागू नहीं होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सरकारी हो या वो अपने ही स्तर पर अपने प्राइवेटली मैनेज कर रहा होगा। अभी एमयू वाला यही इश्यूज है, पहले 31 मतलब समझ में आ गया, 31 में ये लिखा है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन। अब जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है अर्थात अल्पसंख्यकों का संस्था, यहां कंसर्न उठता है माइनॉरिटीज कौन है, तो कहा गया किसी भी एरिया में जिसकी जनसंख्या 50% से कम हो, अब वो माइनॉरिटीज हो गया। तो माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में जिस माइनॉरिटीज की बात की गई, ये भी क्वेश्चन उठेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी माइनॉरिटीज, तो यहां दो ही माइनॉरिटीज की चर्चा की गई, खास करके इस आर्टिकल्स की जब बात करेंगे उस संदर्भ में, एक तो रिलीजियस और दूसरा लिंग्विस्टिक। इन दो माइनॉरिटीज, तो इसमें भी लिंग्विस्टिक वाला बहुत ज्यादा इंपैक्टिव तो है नहीं, इधर रिलीजियस वाला, तो रिलीजियस में भी जो माइनॉरिटीज का इंडिया में कंसर्न उठ रहा है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला मेजर सेक्शन उठ रहे हैं, क्योंकि अन्य जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू में ही समाहित हो जाते हैं, ईसाई है तो बहुत मार्जिनलाइज्ड है, मुस्लिम कम्युनिटी एक बड़ा कम्युनिटी है, ताकतवर कम्युनिटी है, तो इन कम्युनिटीज को लेकर एक प्रश्न उठता है कि आखिर माइनॉरिटीज को ही हमने स्पेशल राइट्स क्यों दिए कि माइनॉरिटीज ये ऐसा नहीं कर सकती। और एक बात और भी समझना, इसी में कंसर्न ये भी बनाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट और भी ये कहा गया कि सरकार फंड देने में माइनॉरिटीज संस्था के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात उसे गवर्नमेंट मैनेज कर रही है या माइनॉरिटीज मैनेजमेंट कर रही है। इसीलिए अब भी जो रिजर्वेशन का क्वेश्चन है, अभी आपने कोर्ट में एएमयू इश्यूज का नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज संस्था है या नहीं है, सरकार कहती है कि हम उसे फंड दे रहे हैं, एएमयू वाले लोग कहते हैं या जो उनके पक्षधर हैं वो कहते हैं कि आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में स्पेशली ये लिखा गया है कि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो पर्सनल मैनेजमेंट में हो या प्राइवेट मैनेजमेंट में, गवर्नमेंट मैनेजमेंट में हो, अर्थात भले ही आप फंड दे रहे हो लेकिन संस्था को मैनेजमेंट या संस्था की जो स्थापना हुई थी वो मुस्लिमों के लिए हुई थी, उसकी सारे के सारे जो कोर एंड फाउंडेशन है दैट्स फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स हैव माइनॉरिटीज, दैट्स व्हाई वो जो संस्था है वो माइनॉरिटी स्टेटस होनी चाहिए। सरकार का पक्ष यह है कि नहीं, उसके जो भी कंसर्न्स हैं पूरी फंडिंग भी हम कर रहे हैं और जो आजादी के बाद जो कंसर्न्स बने उस कंसर्न्स में सिद्ध हो रहा है कि अब वो संस्था माइनॉरिटी संस्था नहीं है। अभी तक जो एमयू का प्रशासन चल रहा है वो माइनॉरिटीज मान के ही चल रहा है, इसलिए रिजर्वेशन के रूल उसमें लागू नहीं होते इसी कंसर्न्स के चलते। तो एमयूज वाला जो इश्यूज है वहां ध्यान रखो, वहां ये प्रश्न नहीं है कि वहां एक माइनॉरिटी संस्था में रिजर्वेशन होना ये नहीं चाहिए, वहां यही क्वेश्चन उठ रहा है कि मैनेजमेंट किसका है, सरकार पैसा दे रही है ये भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी संस्था को भी सरकार पैसा देगी, लेकिन सरकार यदि माइनॉरिटी संस्था को पैसा दे रही है तब भी कोई कंसर्न नहीं, पहले ये था बहुत पहला नियम कि सरकार यदि पैसा दे रही हो तो सरकारी हो जाएगा, लेकिन अब कंसर्न यह है कि नहीं माइनॉरिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि एएमयू का मैनेजमेंट किसका है, सरकार कहती है कि हमारा मैनेजमेंट है, जो वहां के लोग हैं कुछ वो कहते हैं कि नहीं हमारा मैनेजमेंट अर्थात माइनॉरिटी का मैनेजमेंट है, यही बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब देखो जैसा भी कंसर्न्स बने जो भी बने, तो मुद्दा ये कंप्लीट हो गया कि ये जो 15, 4, 5, 6 जो भी हमने बनाया
ओबीसी एससी एसटी या जिसका भी प्रवेश एक्सेट्रा, वो हर संस्था में होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड होंगे, नॉन एडेड होंगे, पब्लिक होंगे, प्राइवेट होंगे, हर संस्था में ये रूल पालन करने होंगे रिजर्वेशन के, केवल माइनॉरिटी संस्था को छोड़ के। तो इस पर आप भी थोड़ा सोचना कि क्या ये सही है या गलत है, आप अपने तर्क लिखना, कुछ फिर उसे चेक करवाना। आई होप ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसी में जैसे ये बातें स्पेशली ध्यान रखो, ये बातें किसमें कही गई है, 30(1) में तो कहा गया माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30 के ही 2 में कहा गया है, यहां स्पेशली ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसी भी संस्था को फंड देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर और बाय पर्सनल या माइनॉरिटी कमिटी। यदि माइनॉरिटी कमिटी भी कर रही है तब भी फंड देने में भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि यदि फंड दे रही है तो सरकारी, और सरकारी हो गया तो फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन लागू नहीं होगी। तो लेकिन इसीलिए इस बात को क्लियर कर दिया गया कि माइनॉरिटी स्टेटस ही इंपॉर्टेंट है, चाहे सरकार पैसा दे या नहीं दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आर्टिकल 32 नहीं समझना इसे, इन दोनों ही पार्ट्स को एक साथ करते हुए पढ़ोगे तो केवल इन्हीं दोनों को इम्यून प्राप्त है, अर्थात जो 15 का 4, 5 और 6 है इन दोनों पे लागू नहीं होंगे, इसके अलावा अन्य जो है वो इस पे लागू होंगे और इन दोनों के लिए हम स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 15। अब हम लोग इसके बाद आते हैं आर्टिकल 16 की बात करते हैं, ये सरकारी नौकरी से संबंधित है। ये दो आर्टिकल ही सबसे बड़े आर्टिकल है यहां, तो इसको समझ लो। इसमें भी टोटल 6 कंसर्न्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बहुत हद तक यही चलता है, लेकिन इसमें है कौन सा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से है संबंधित ये। सरकारी नौकरी से संबंधित है। अब सरकारी नौकरी से संबंधित है तो इसमें जो कंसर्न्स है, इसमें ये कहता है, जो इसका 16 का फर्स्ट है वो ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है या अपॉइंटमेंट है या प्रमोशन आदि है, उसमें भेदभाव नहीं करेगी राज्य सरकार। राज्य के अधीन अर्थात स्टेट के अधीन कुछ भी होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे, स्टेट के अधीन डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन इसमें हो जाएंगे, तो चाहे तो अपॉइंटमेंट करना हो या एम्प्लॉयमेंट देनी हो, स्पेशली ध्यान रखो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक अलग विषय हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, इन सारी चीजों में सरकार किसी भी व्यक्ति से इन सब आधार पे, जो हमने पुराने आधार की बात की, जाति धर्म इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। अब इसमें जो भेदभाव का आधार है वो कहां सेट किया है, ये 16(2) में सेट किया है। 15 जो 16 का 1 है उसमें कहता है कि भेदभाव स्टेट नहीं करेगी किसी से। अब वो बेसिस कौन सा होगा, ये 16(2) में सेटल किया गया है और इसमें 7 आधार की बात की गई है। याद रखिए 15 का जो पार्ट था उसे 5 आधार की बात थी, यहां 7 आधार है, 7 बेसिस पॉइंट है जिन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो फिर इसमें कौन कौन होगा, एक तो रेस या रिलीजन, पहले मान लो रिलीजन अर्थात धर्म, रेस अर्थात नस्ल, नस्ल, इसके बाद सेक्स अर्थात लिंग, कास्ट, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहां हुआ है, इसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्थात आप निवास कहां कर रहे हो, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, और इसके साथ डिसेंट अर्थात वंशानुक्रम आपका क्या है। तो इन 7 आधार पर भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। हाँ, बाद में इसमें स्पेशली एक्ट बनाए गए कि कुछ लोगों के हित में हम ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस को डिसाइड कर सकते हैं, बाद में इसकी चर्चा करवाएंगे। तो ये कंसेंस हुआ 16 में 7 आधार दिए गए, 16 के 2 में, 16 फर्स्ट बताएगा कि भेदभाव नहीं, 16 2 में 7 आधार दिए गए। आधार क्या है, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड डिसेंट। इसके साथ साथ जो 16 का 3 है हम इसकी चर्चा करें, तो 16(3) में यही बातें कही गई कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो किसी भी स्टेट में या यूटीज के लिए, नौकरी के लिए वहां के राज्य में निवास करना अर्थात प्लेस ऑफ रेजिडेंस को अनिवार्य बना सकती है। यह स्पेशल सा प्रोविजन है, किसको राइट दिया गया, आर्टिकल 3 में, 16 के 3 में कहा गया कि पार्लियामेंट हैविंग द राइट टू फिक्स द क्राइटेरिया वेदर वन मस्ट हैव द रेजिडेंशियल
or domicile of that particular state or of UTs for being eligible to be appointed in a particular or on a particular post. Clear? तो इसमें एक आ गया कि पार्लियामेंट किसी राज्य में निवास की अर्हता अर्थात क्वालिफिकेशन निश्चित कर सकती है. राज्य या यूटी में निवास की अर्हता फिक्स कर सकती है. अर्थात यह हुआ जो अभी हमने सेकेंड में पढ़ा था कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस से कोई मुद्दा नहीं है, उसको थ्री में ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कुछ हद तक कंटेल कर दिया गया. और इस आधार पर यदि बात करें तो बहुत पहले की बात करें तो हिमाचल में भी ऐसा नियम था, त्रिपुरा में भी ऐसा नियम था कि वहां का रेजिडेंस होना था, मणिपुर में भी ऐसा था. 70 के दशक में, खास करके 74 के बाद इन चीजों को हटा दिया गया. आंध्र प्रदेश में बहुत दिन तक ये रूल रहा कि 50% वहां की जो नौकरी होगी वो तेलंगाना के वासियों को होना होगा. बाद में नरसिम्हा राव का केस आया था जहां इस मुद्दे को खत्म कर दिया गया. और जब इस मुद्दे को खत्म कर दिया गया फिर तो 2014 में आके तेलंगाना अलग ही हो गया. तब तो कंसर्न अलग थे, नहीं तो बहुत बार तक आंध्रा में फिक्स कर दिया गया था तेलंगाना का रेजिडेंस आप में होना चाहिए. तो ये कंसर्न है. तो पार्लियामेंट किसी स्टेट को फिक्स कर सकती है. अब वहां बात करें तो जो 4 है उसमें जो 16 के 4 है, देखो ये जो तीन था ना 16, 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही पार्ट ओरिजिनल मूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था. जैसे 15 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड मूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, वैसे ये तीन है मूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था. बाद में जैसे जैसे राजनीतिक और वैश्विक परिस्थिति बदली तो जो 16:4 था उसको बाद में ऐड किया गया है. तो जो 16:4 ऐड किया गया है इसमें फिर से बैकवर्ड क्लासेस के लिए बात की गई है. 16:4 इसमें फिर से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ओबीसी, या ध्यान रखो ये शब्द ऑरिजिनली मेंशंस नहीं है वहां, इकोनॉमिकली और सॉरी एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड की बात की गई है. तो यहां ओबीसी एससी एंड एसटीज इनके लिए कहा गया कि सरकार स्पेशल प्रोविजन कर सकती है. सरकारी नौकरी में इनके लिए स्पेशल सा प्रोविजन बनाया जा सकता है. इसी 16:4 में जो कंसर्न, और ये लेकिन कब बनाया जाएगा तो यहां ध्यान रखो कहा गया कि इनके लिए कहा गया कि सरकार इनके लिए प्रावधान तब बनाएगी जब सरकार इस बात से कंफर्म हो जाए कि इनका एडिकेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट फोर्स या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का जो कैडर है उसमें एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इस बात को स्पेशली ध्यान रखो. ये 16:4 ये कहता है कि सरकार कब इनके लिए, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लास इनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है कब, जब सरकार को लगे कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनएडिकेट है. अनएडिकेट का मतलब प्रॉपरली जितनी संख्या होनी चाहिए प्रोपोर्शन के हिसाब से वो नहीं है. जब ही सरकार को लगता है कि किसी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर जो एक सेगमेंट है उस सेगमेंट के लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसके लिए वो स्पेशल प्रोविजन कर सकती है. क्लियर? तो मतलब ये क्या होगा, 16:4 में ये कहा गया कि यदि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रॉपर का मतलब आर्बिट्रेरी रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसको कह सकते हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली वहां जो लिखा है वो एडिकेट की बात की गई, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मतलब एक जितना होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई. इसी के बाद जो 16:4 है इस 4 में एक और पार्ट ऐड किया गया 16:4A. तो आप समझते हैं 16:4A क्या है. 16:4A, ये जो 16:4A है, ये 16:4A 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के द्वारा जोड़ा गया. 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के द्वारा जोड़ा गया. और इसमें कहा गया कि जो एससी एसटीज हैं इनको प्रमोशन में भी हम ये ध्यान रखेंगे. यहां देखो 16:4 में क्या कह रहा है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसकी यदि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए हम स्पेशल प्रोविजन अर्थात रिजर्वेशन कर सकते हैं.
लेकिन बाद में क्वेश्चन ये उठा कि चलो एंट्री लेवल पे तो हो गई, प्रमोशन में यदि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या होगा? तो आज भी ओबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एससी एसटी के लिए कहा गया कि 16(4) के ए में स्पेशली 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के द्वारा ये पार्ट जोड़ दिया गया कि एससी एसटी के प्रमोशन में भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे, अर्थात प्रमोशन प्रगति जो नौकरी में होंगी कि वहां भी उनका रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, और इसके लिए प्रमोशन में भी कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी की भी बात की गई। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब ये होगा, पहले इसको ये समझ लो, प्रमोशन में रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी कैसा, तो कॉन्सिक्वेंशियल, अर्थात कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब जो बाद में जिस कंसर्न जिस दिन उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उस दिन से ही उसका गिना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, जो ए बी है वो अनरिजर्व्ड है और ये रिजर्व्ड क्लास है। इस दोनों की नौकरी कुछ दिन के अंतर पे हुई, ये मान लो 2020 में इसकी नौकरी लगी, ऐसे समझ लो इसको 2015 में इसकी नौकरी लगी, इस व्यक्ति की नौकरी 2017 में लगी, अर्थात ये जूनियर है, लेकिन इस व्यक्ति का प्रमोशन 8 साल के बाद या मान लो 5 साल के बाद ही 2022 में इसका प्रमोशन हो गया। इसके प्रमोशन भी हुए 2022 में। अब कंसर्न ये है कि ये हो सकता है कि जो सेकंड प्रमोशन होगा इसकी जो सीनियरिटीज है इसकी सीनियरिटीज यहां से गिनी जाएगी, हो सकता है कि इसके कैडर में आगे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनका जो सेकंड प्रमोशन होगा वो 2025 में आके ये ए ग्रेड में पहुंच जाएगा और ये इसको 2030 या 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा। अर्थात ये होगा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि आपका प्रमोशन जिस दिन से हुआ, अर्लियर ज्वाइनिंग आपकी किस डे हुई थी ये मुद्दा नहीं है, आपका प्रमोशन जिस दिन से हुआ, और चूंकि यहां इसके कैडर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं तो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर उसका प्रमोशन होगा नहीं, इसके कैडर में लोग नहीं है, ये प्रमोट हो गया अब ये इससे सीनियर हो गया भले ही ज्वाइनिंग इसकी इससे बात की थी। तो ये कहा गया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ प्रमोशन ये 16(4) में 4 के ए में स्पेशली एड कर दिया गया। तो अब ये हो गया 16(4) और 16(4A। तो 16(4) बेसिकली किससे संबंधित है? OBCs से, यहां ध्यान रखो, और 16(4A किससे संबंधित है? SCSTs के संबंध में, और वो भी SCSTs में क्या है स्पेशली, इसमें प्रमोशन में भी ख्याल रखेगा, इसकी केवल एंट्री लेवल पे ही ख्याल रखी जाएगी, ये स्पेशली ध्यान रखो। और ये जो प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंशियल है इसके लिए भी याद रखो, पहले तो केवल एंट्री में ही बात की गई, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की यदि बात की जाए तो ये 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एड किया गया, ये ध्यान रखो, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की गई थी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा, 2001 के द्वारा इस बात के लिए प्रावधानित किया गया। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हम बात करें जो 16(4) का बी है, 16(4) में ही एक पॉइंट और ऐड किया गया, 16(4B क्या कहता है कि जो ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको सीए वाला सीए नहीं समझ लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 2000 में हुआ था, इसके द्वारा 16(4B जोड़ा गया, और इसके तहत एससी एसटी के लिए बैकलॉग की फॉर्मूला को लागू कर दिया गया, अर्थात बैकलॉग के कंसर्न को, बैकलॉग की प्रोसेस। ये बैकलॉग की प्रोसेस क्या होगा, इसमें यह कहा गया कि जो जैसे एक सामान्य कंसर्न, इस बात को समझ लो, मान लो इस बार कोई वैकेंसी निकली, अब इस बार कोई वैकेंसी निकली हर जाति के लिए एक एक हर का जो एक ग्रुप है उस ग्रुप के लिए रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया फिक्स है। अब उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बाद मान लो इस साल जनरल के लिए 10 सीट है, ओबीसी के लिए मान लो 5 सीट है, एससी के लिए मान लो 2 सीट है, इस डेटा में ओरिजिनल नहीं जाना, जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये 27% रिजर्वेशन है, एससी का 15% और एसटी का 7.5%, तो आप हिसाब बाद में करना परसेंटेज का, हम लोग वो हिसाब नहीं लगाएं, हम बेसिक से कल्पना करें सबका अपना अपना एक सीट था, और मान लो एससी कैटेगरी में 20 वैकेंसी थी, लेकिन जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी थी उसने एक पर्टिकुलर मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया, इस क्राइटेरिया से नीचे वाले लोगों को हम नहीं लेंगे, और मान लो उस क्राइटेरिया में एससी के ग्रुप में केवल 12 लोग ही पहुंचे, अर्थात इन 12 लोगों की तो सिलेक्शन हो गई लेकिन 8 सीट अभी भी वैकेंट रह गई जिसमें उस क्राइटेरिया वाले लोग पहुंचे ही नहीं थे,
तो इसका मतलब पहले क्या होता था कि अगले साल जो वैकेंसीज होंगी वो नॉर्मल वैकेंसीज होंगी और उस वैकेंसीज में सारा कुछ ऐड हो जाएगा और फिर जिसका जितना जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो आगे चला जाता। बाद में कहा गया कि नहीं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसके आधार पर जानबूझ के 80 की सीट को वैकेंट रख दिया जाता है ताकि अगले वर्ष उसे जनरल में कन्वर्ट किया जा सके। तो बाद में 16(4) के बी के द्वारा यह स्पेशल प्रोविजन बना दिया गया कि एससी के जो सीट्स होंगे, एसटी के जो सीट्स होंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, अर्थात बैकलॉग में रख लिया जाएगा। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड का नियम। अर्थात यदि 20 सीट थे और अभी 12 ही सीट भरे गए हैं तो 8 सीट ये स्पेशली एससी के लिए खाली रहेगा और अगले साल की जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें एससी के जितने उस साल के सीट वैकेंट होंगे उसमें 8 सीट ऐड हो जाएगा। अर्थात जो 50% रिजर्वेशन की सीमा थी उस टाइम में, बाद में जो 60% रिजर्वेशन ओबीसी के ईडब्ल्यूएस को लेके हुआ, उस सीमा से बियॉन्ड ये सीट अलग ही रहेंगे, ये स्पेशल एससी के लिए ही रहेंगे और ये बाद में ऐड होते चले जाएंगे। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग का नियम। ऐसा ये कहा गया कि इससे कंफर्म हो गया कि एससी के सीट पे केवल एससी ही बहाल होगा, चाहे इसके लिए रिजर्वेशन 100% ही क्यों ना हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ वैकेंसीज निकलती है उसमें लिख दिया जाता है कि 100% सीट एक पर्टिकुलर एससी एसटी के लिए ही होंगे। इसका कंसर्न्स ये था कि कुछ लोगों का आरोप था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जनरल वालों के लिए स्पेशली इन लोगों की बहाली नहीं की जाती थी और नेक्स्ट ईयर इसको जनरल में बदल दिया जाता। तो कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग का जो नियम है किसमें आया, 16(4) के बी में आया। ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया और कब ऐड किया गया, ये 2000 में ऐड किया गया। अब यहां थोड़ा सा स्पेशली कुछ स्पेशल पॉइंट्स नोट कर सकते हो कि जो प्रमोशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, थोड़ी क्रोनोलॉजी और थोड़ा सा स्पेशल सब पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल पॉइंट विद क्रोनोलॉजी समझ लो कि रिजर्वेशन का जो क्रोनोलॉजी आया। सबसे पहले तो ये समझ लो अभी भी जो क्लास फर्स्ट क्लास वन के जो ऑफिसर्स हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है, वो सामान्यतः प्रमोशनल कैडर होता है और उस कैडर में क्लास फर्स्ट के जो ऑफिसर्स होंगे उनमें प्रमोशंस वाला मुद्दा नहीं है। अर्थात क्लास फर्स्ट जो प्रमोशन वाला है इसमें रिजर्वेशन नहीं है। इसीलिए कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि आज भी सेक्रेटरीज लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं उसमें एससी एसटी की रिप्रेजेंटेशन बहुत नगण्य है। बहुत नगण्य का मतलब बहुत ही कम आधार पे है। दूसरा कहा गया कि ओबीसी को, याद ध्यान रखो, ओबीसी को प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है, ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। इंदिरा साहनी मामला 19 इंदिरा साहनी का मामला आया, स्पेशली इस बात को ध्यान रखो, जहां कैपिंग की गई। कैपिंग का मतलब कि रिजर्वेशन कितना होना चाहिए। तो इंदिरा साहनी के मामला 1993 में ये कैप कर दिया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अप टू 50% तक ही आरक्षण हो सकता है। लेकिन इसमें ये क्या है, एक्सट्रीम कुछ एक्सेप्शनल कंसर्न्स में हम इससे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह में इसी टाइम में बढ़ा दिया गया, आज तो लगभग प्रायः हर स्टेट में बढ़ा दिया गया। तो इंदिरा साहनी में ही एक पॉइंट और ध्यान रखो, इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये स्पेशली ध्यान रखो, इंदिरा साहनी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संवैधानिक है। क्यों कहा, क्योंकि एससी एसटी के संबंध में जो एक प्रावधान है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 335, कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक आर्टिकल है 335, चाहो तो ध्यान रख लो। इस 335 में यह कहा गया कि जो भी प्रशासनिक अमला होंगे उसमें प्रशासनिक दक्षता के आधार पर ही हम प्रमोट करेंगे या उसको बहाल करेंगे। यदि प्रशासनिक दक्षता नहीं होंगे तो हम ऐसे बहाल नहीं करेंगे, यह आर्टिकल 335 में स्पेशली प्रावधानित है। तो इसी प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते, प्रमोशन केवल उसी व्यक्ति का होगा जो योग्य होगा। जैसे ही यह मुद्दा आया तुरंत इस देश में एक बवाल पॉलिटिकल कंसर्न्स बनने शुरू हुए और फिर एक संविधान संशोधन होता है और बाद में जब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल आता है तो 1995 का वो दौर आता है। 1993 में इंदिरा साहनी वाला मामला था, 1995 में तुरंत तीव्र आंदोलन होने के बाद स्पेशली मायावती वगैरह के में बहुत योगदान रहा था। इसके बाद जो जो दलित क्लास के लोग हैं, दलित क्लास के जो नेता थे, उन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो 1995 में इसके लिए 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और जो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके तहत ये कह दिया गया कि एससी एसटी को आरक्षण में वंचन नहीं किया जा सकता, उनमें प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद एम नागराज केस आया, एम नागराज केस, इसमें क्या हो गया, 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया,
इसके बाद एक केस आता है एम नागराज का। ये जो एम नागराज का केस है, इस एम नागराज 2006 का केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 77th अमेंडमेंट वैलिड है, अर्थात प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन सरकार को, स्टेट को निश्चित तथ्य के आधार पर पहले यह डिसाइड करना होगा कि क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। अर्थात एम नागराज की केस में कहा गया कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है, वैलिड तो है, लेकिन सरकार को स्पेशल से फैक्ट, मतलब रीजंड फैक्ट होने चाहिए। फैक्ट क्या होने चाहिए? तार्किक और कंफर्म होने चाहिए, अर्थात रीजंड होने चाहिए। सरकार को पता लगाना होगा कि क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, एनएडिकेट है या एडिकेट है। बाद में क्या हुआ कि इस मुद्दे पे और तेजी से लड़ाई होनी शुरू हुई। बाद में फाइनली ये हुआ कि 2012 में इस पे कुछ एक बी नारायण स्वामी, वहां तक के मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को स्ट्रक डाउन कर दिया और ये कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के संबंध में कोई छानबीन की आवश्यकता नहीं है। एससी एसटी का जो कंसर्न्स है, एससी एसटी का मतलब ही है कि वो पिछड़ा है, दलित है, इसलिए उसमें कोई तथ्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्पेशली ध्यान रखो कि इस केस में बाद में क्या होगा कि एससी एसटी को प्रमोशन से मिलता चला गया। बाद में अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक कंसर्न्स आया कि स्पेशली यह ध्यान रखो, पहले यह कहा गया कि नागराज केस में क्या आया कि आपकी ये तार्किक बाधा होनी चाहिए, तार्किक कंसर्न्स होने चाहिए कि जो भी डिवीजन किया, जो भी ये रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया गया, क्या वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड था या नहीं था। इसी आधार पे यूपी गवर्नमेंट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देना शुरू किया बिना इस तार्किकता को ध्यान में रखे। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के प्रमोशनल कंसर्न्स को खारिज कर दिया, स्टक डाउन कर दिया। जैसे ही स्टक डाउन किया, उसके बाद फिर से एक बवाल मचा, कैसे कैसे होगा। इसके बाद यहां ध्यान रखो, 2012 में इसी आधार पे, इसी नागराज वाले केस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के प्रमोशन पॉलिसी को स्टक डाउन कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो फिर 5 सितंबर 2012 को ही स्पेशली 117th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया और इस 117th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत ये फिक्स कर दिया गया उस बिल में कि एससी एसटी के प्रमोशन के लिए किसी भी तरह की तथ्य की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखो, ये अप्रैल 2012 में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, 5 सितंबर 2012 को इस बात में 117th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया और इसमें कह दिया गया कि एससी एसटी को प्रमोशन में किसी भी तथ्य की आवश्यकता नहीं है और फाइनल ये है कि आज एससी एसटी के लिए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 15 का, कौन सा हमारा पार्ट था, 15 का 4। इसके बाद 16 का 4, अब हो जाएगा 16 के 5 में हम लोग आएंगे। 16 5 ये कहता है कि सरकार, 2 मिनट, 16 5 ये कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो किसी भी तरह के मैनेजमेंट के लिए 100% रिजर्वेशन अपने धार्मिक पदों या धार्मिक संस्था के लिए दे सकती है। तो ये कॉमन सी बातें हैं कि जो रिलीजियस पार्ट है वो 100% रिजर्वेशन दे सकती है अपने ही धर्म के लोगों को अपने ही किसी पद पर बिठाने के लिए, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद आता है जो 16 का 6 है, जो 16(6) है ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया 2019 में और इसके तहत EWS रिजर्वेशन की बात की गई। फिर से ध्यान रखो, EWS रिजर्वेशन वही 15 की तरह होगा, 15(6) की तरह। इसमें कौन आएगा? इसमें वो आएंगे जो अदर देन एनी रिजर्व क्लास में थे, अर्थात इकोनॉमिकली वैक क्लास, अर्थात इसको जनरल क्लास का इकोनॉमिकली बैकवर्ड EWS, मतलब जिसको अदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। आई होप ये आर्टिकल 15 और 16 आपको समझ में आ गया। कल की क्लासेस में हम लोग आएंगे तो अनटचेबिलिटीज 17 एंड एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स अर्थात आर्टिकल 18, तो 6, 17 और 18 पढ़ेंगे, उसके बाद राइट टू फ्रीडम में आएंगे, फिर देखेंगे। चलिए, थैंक यू।